हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से मैं आपके लिए मैट्रिक्स कोडिंग का टॉपिक लेकर हाजिर हूं। मैट्रिक्स कोडिंग क्या होती है, कैसे इसके सवाल एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं और कैसे आप उनको बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो अगले 20-25 मिनट के लिए आप खुश होकर बैठें, अच्छे से तैयार होकर बैठें और सीखें उन्हें। मैट्रिक्स क्या होता है और उसके सवाल छोटे छोटे कोडिंग्स के तौर पे कैसे पूछे जाते हैं, ये चीज़ कोई बड़ी नहीं है, बहुत आसान है। मैट्रिक्स को यूं कहें, आप सारणी बेहतर तरीके से समझते होंगे। जैसे सारणी होती है वैसे ही मैट्रिक्स होता है। उसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए होते हैं, अक्षर आपके दिए हुए होते हैं और उन अक्षरों को आप किसी कॉलम और पंक्ति के आधार पर सेल एड्रेस बनाते हैं और उस एड्रेस को आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो जितनी भी एग्जाम होती हैं जिनमें रीजनिंग शामिल होता है और जहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक होता है, वहाँ अक्सर इसका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एसएससी में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और मैं किसी स्पेसिफिक एग्जाम का नाम नहीं लूंगा। सभी एग्जाम्स के लिए जो ये कोर्स है वो हमने डिज़ाइन किया है और आप उसे एक एक बार सभी टॉपिकों को देखते रहें, जिससे कि आप सारी एग्जाम्स के लिए अच्छी तैयारी कर पाएं। चलिए कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें, इसकी बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स हैं। जैसे आप सारणी को समझते हैं वैसे ही इन्हें सारणी ही समझ लीजिए। तो सारणी जो होती है उसमें यूं ऊर्ध्वाधर कुछ लाइनें होती हैं, कुछ ऐसे 37 लाइनें होती हैं। जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं उन्हें कहते हैं कॉलम या स्तंभ। ये ऊपर से है, कोई आपसे कहे एक नंबर का कॉलम बताइए, एक नंबर का कॉलम बताइए, तो आप कहते सर एक नंबर का कॉलम होता 0 O R M F S, ये एक नंबर का कॉलम हो गया। मान लो आपसे कोई ये कहता कि तीन नंबर का कॉलम बताइए, कॉलम कह सकते हैं, स्तंभ कह सकते हैं, हिंदी में स्तंभ कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में उसे कॉलम कहते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि थर्ड नंबर का स्तंभ क्या है या कॉलम क्या है, तो वहाँ जो संख्याएं आपके पास अक्षर या संख्याएं लिखी हुई होंगी वो हैं S, O, R, M और F। इसी प्रकार से रो की बात करें तो अभी बात करी है जो स्तंभ हैं उन्हें कॉलम भी कहते हैं। कॉलम जो इसमें दे रखे हैं वो 0 से लगाकर 1, 2, 3 ऐसे करते करते 9 है, यानी 0 से 9 तक के इसमें कॉलम के नंबर हैं। उसी प्रकार से पंक्ति का नंबर भी यहाँ पे गिवन है। पंक्ति यानी कि रॉ, इंग्लिश में कहते हैं उसे रॉ और हिंदी में कहते हैं उसे पंक्ति। तो इसकी जो सारणी या इस मैट्रिक्स की जो पंक्तियाँ हैं वो हैं यूं 37 तरीके से जो लाइनें हैं उनसे बनने वाली। जैसे मैं कहूँ कि 0 नंबर की रॉ क्या है, तो 0 नंबर की पंक्ति है F O M S R। मैं कहूँ कि 9 नंबर की रो क्या है, तो आप कहेंगे 9 नंबर की रो है O Q P R T। तो ये तो इसका बेसिक हो गया। इसके बाद तो ये समझ गए हैं कि 0 से लगाकर यहाँ 9 तक की क्या है रो है और 0 से लगाकर 9 तक ही यहाँ पर कॉलम है। अब बात करते हैं कि ये जो खाना बनता है जहाँ पर पंक्ति और स्तंभ आपस में काटते हैं, पंक्ति और स्तंभ आपस में काटते हैं, उसको कहते हैं सेल। यानी कि ये जो खाना बन रहा है इस खाने को कहा जाता है सेल, और इस सेल पे मौजूद जो भी अक्षर है उसकी आपको कोडिंग करनी है, यानी कि उसका एड्रेस डिनोट करना है। एड्रेस डिनोट कैसे, प्रश्न आपसे कहेगा, जैसे कि मैं पढ़ के सुना देता हूँ इनको सभी को, इसमें से कुछ जरूरी चीजें आप परीक्षा में पढ़ेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस में सारी चीजें पढ़कर जाएंगे। तो यहाँ कह रहा था कि एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। फिर कह रहा है कि विकल्पों में दी गई संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों को दर्शाता है। तो यहाँ पर आव्यूह दे रखे हैं और उनमें आव्यूह फर्स्ट में जो स्तंभ हैं और पंक्ति हैं वो 0 से 4 हैं, और सेकेंड वाले आव्यूह हैं उसमें पंक्ति और स्तंभ के जो क्रमांक हैं वो 5 से 9 हैं। यानी कि 0 से 4 पहले वाले मैट्रिक्स में है और सेकंड मैट्रिक्स को देखें तो वहाँ 5 से 9 है। इसी प्रकार से अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इन आव्यों से यानी इन मैट्रिक्स से एक अक्षर का जो कोड बनता है वो कैसे बनता है। एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति के द्वारा और बाद में उसकी
स्तंभ की संख्या द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि किसी भी सेल में कोई अक्षर लिखा हुआ है, उसका पहले लिखा जाएगा पंक्ति का क्रमांक और उसके बाद में लिखा जाएगा उसका स्तंभ का क्रमांक। जैसे बात कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए आपके पास में आर है। अब मैं कहूं कि इस आर को कैसे लिखेंगे, लिखने की कोई बात नहीं है, सिर्फ समझते रहें, सुन लें, एक प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे तो आगे के प्रश्नों को आप फटाक फटाक से कर पाएंगे। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल कहता कि यहाँ पर आर है, तो पहले उसकी पंक्ति का क्रम लिखना है, पंक्ति होती है इधर, तो ये तीन नंबर की पंक्ति में है और कॉलम कौन सा है, जीरो, यानी आर का जो कोड बनता वो 30 बनता, इसे सेल एड्रेस कहते हैं, तो आर का सेल एड्रेस हो गया 30, यानी 30 कहीं पे दिखेगा आपको तो आप ये सोचेंगे कि तीन नंबर की तो पंक्ति है, पहले पंक्ति लिखी हुई है और जीरो का मतलब है स्तंभ है, ये जीरो नंबर का स्तंभ है। कहीं पे मान लो ऑप्शन में जैसे 56 लिखा हुआ है, ये 56 दिख रहा है, तो इस 56 का कोड आपको कैसे ढूंढना है, तो आप कहेंगे इस 56 में पहले वाला तो रो है, रो मतलब आर, 5 नंबर की रो है और 6 नंबर का ये कॉलम है, तो 5 नंबर की रो कहाँ मिलेगी, ये 5 नंबर की रो हो गई और 6 नंबर का, तो ये जो कोड है वो पी का है, तो ये शुरुआती जो कोड है वो पी का है। तो अब कोड ढूंढना समझ गए होंगे, पहले पंक्ति का क्रमांक फिर स्तंभ का क्रमांक उस कोड में मौजूद है, तो ऑप्शन से ही ऐसे सवाल को डायरेक्ट पिक करेंगे हम। तो आप देखिए प्रश्न कह रहा है PFRROT के लिए कोड पहचानना है कि कौन सा शब्द समूह इन चार में से इसके लिए एप्लीकेबल है। तो अब देखिए 56 को पहचान लिया है अपन ने, P आ गया, अब 00 को पहचानिए कि क्या 00 पे F है क्या, आपको पहचानना है PFRROT, यानी कि F का कोड पहचानना है। अब P का आपने पहचाना है 56 आ गया, फिर 00 देखिए, इनके कोडों को रीड कीजिए, 00 पे F है, इधर से 0 उधर से भी 0, तो 00 पे कौन मौजूद है, F है। 77 देखिए, इधर से 7, पहले देखनी है पंगति फिर देखना है कॉलम, तो यहाँ से R आ गया, तो बिल्कुल यहाँ तक भी सही है। 88 पे देखिए, 88 पे फिर से यहाँ पर R है, 88 पे भी R है। 86 पे देखिए, 86 का मतलब है 86 लिखा हुआ है, तो पर्सन के अकॉर्डिंग 8 नंबर का तो पंगति है और 6 नंबर का कॉलम है, तो 8 नंबर की पंगति में जाता और ऊपर से 6 नंबर पे जाता तो ओ आता, यहाँ भी सही है। PFRRO चाहिए, ये टी का कोड है क्या, 99 पे देखिए, ऊपर से और नीचे से भी 9, तो ये टी है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होता। ऐसे आप देखेंगे तो बाकी विकल्पों में आपको एकाध संख्या गलत मिलेगी और एक विकल्प में संपूर्ण जो कोड होंगे वो आपके बिल्कुल परफेक्ट और सही होंगे। तो बहुत आसान है, मैट्रिक्स कोडिंग कोई भी लगा सकता है, इसके लिए इंटेलिजेंट और कमज़ोर होने की कोई भी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। इसमें बस कोई कैटेगरी ज़्यादा नहीं होती हैं, एकाध प्रकार के ही क्वेश्चन होते हैं। ये देख लीजिए, इसके इंस्ट्रक्शन कहीं पे लिखे हुए नहीं भी हो तो आपको बाई डिफॉल्ट ही क्या करना है, पहले तो पंक्ति देखनी है, पहले पंक्ति का क्रमांक देखें और उसके बाद में देखें स्तंभ का, स्तंभ समझते हैं जो ऊर्ध्वाधर हैं, स्तंभ क्रमांक को देखें। ये रहती है, ये बाई डिफॉल्ट है, यानी कि प्रश्न में दे रखा हो तब तो आपको देखना ही है कि पंक्ति पहले की स्तंभ, जब वो दे रखा हो, लेकिन जब नहीं दे रखा हो तो पहले देखेंगे रो को और फिर देखेंगे स्तंभ को, बाकी प्रश्न ही कह दे कि पहले आप स्तंभ को देखिए तो फिर पहले स्तंभ को देखेंगे। कुछ सवालों में पहले स्तंभ को भी देखना कह सकता है, बाकी अधिकतर सवालों में पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ। इसमें कुछ दिया नहीं है तो पहले आपको पंक्ति देखनी है फिर स्तंभ, ऐसा से ने पूछा था, कुछ दिया नहीं था इसमें। देखिए क्या कह रहा है, BOTH के लिए समूह को पहचाने, BOTH के लिए समूह को पहचानना है। अब आपको B चाहिए, O चाहिए, T चाहिए और H चाहिए, BOT और H, इसके कोड हैं ये नीचे। पहले पंक्ति को नोट करेंगे, जैसे आपने 88 देखा तो इधर से 8 और उधर से 8, ये है 88, 8 8, तो 88 पे B है, इसका मतलब ये सही है। फिर आपने देखा 30,
30 यानी कि 30 में 3 है, वो तो 3 नंबर की तो पंगति है, पहले पंगति 3 और 0 का मतलब ओ, तो दिख गया है आपको, ये भी सही है। 30 नंबर पे भी क्या है, इधर से 3 से जाते और उधर 0 से आते तो ये वाला खाना मिलता, यहाँ पर ओ है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए 85 नंबर पे देखिए क्या है, पहले देखना है 8 नंबर और फिर देखना है 5 नंबर, तो यहाँ पर ई है, 85 है, वो ई का काम कर रहा है, आपको टी चाहिए, तो 85 गलत है, ए ऑप्शन आपका उत्तर नहीं हो सकता। ये आसान है, देखिए अब आप इसको ऐसे ढूंढेंगे तो सिर्फ देख देख के ढूंढ देंगे, मुझे पेन इसलिए चलाना पड़ रहा है कि मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए दूसरे विकल्प को भी ऐसे धड़ाधड़ जांचिएगा, रुकिएगा नहीं, बहुत फास्ट तरीके से देखिएगा जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 58 लिखा हुआ है, क्या ये बी का कोड है क्या, तो 58 को ट्रेस कीजिए, यहाँ 5 है और यहाँ 8 है, तो 58 पे कौन आएगा, बी, ये बिल्कुल सही है। फिर 02 पे जाइए, 02 का मतलब है, 02 का मतलब है 0 ना रो और 2 क्या है कॉलम, तो 0 कॉलम रो हो गया और 2 रो हो गई, तो यहाँ पर क्या है एन है, तो 02 के ऊपर एन मिला है, ये रोंग है, एन आपको चाहिए नहीं, यहाँ पर तो ओ चाहिए, बी ओ टी एच का चाहिए, तो ये बी का था लेकिन ये एन का आ गया, तो बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ऐसे आप एक एक चीज को देखेंगे तो ये गलत होते होते आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और एक ऑप्शन बचेगा। चलिए सी ऑप्शन को जांचते हैं, 69 देखिए, इधर से 6 पहले और ऊपर से 9, 69 पर बी है, बिल्कुल सही है। 67 पे देखिए, 67 पे ई है, तो 67 पे ई है, ये गलत है, तो सी ऑप्शन को भी आप काट देंगे, तो आपका अब निश्चित तौर से जो विकल्प सही उत्तर होगा वो डी होगा। अब डी में देखिए क्या कह रहा है, 75, तो 75 को ट्रेस कीजिए, यहाँ से 7 और ऊपर से 5, 7 से और 5 से लाइन आए, वो जिस सेल में ठहरेगी वो है, तो 75 है, वो बी है। 22 क्या है, 2 नंबर की पहले रो को देखेंगे, पहले इधर से देखेंगे 2 नंबर और फिर ऊपर से 2 को देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है ओ है, ये भी बिल्कुल सही है। 76 देखिए, 7 के ऊपर से और 6 से, तो यहाँ टी है, ये 76 पे भी टी है। 79 पे देखिए, 79 पे एच है, बी ओ टी एच, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर होता। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और इन सभी क्वेश्चंस को आप इजी तरीके से कर भी सकते हैं, बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पे देखते रहेंगे कि कैसे आप पंगति को पहले देखते हैं और स्तंभ को बाद में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चंस में पहले पंगति दिखवा रहा है, उसके बाद में स्तंभ दिखवाता है। यदि क्वेश्चन में दिया गया हो कि पहले आप स्तंभ देखिए उसके बाद में आपको पंगति देखनी है, तो उस प्रकार के एड्रेस नोट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई समस्या रही होगी, फिर भी यदि रहेगी तो हम आगे 10-12 क्वेश्चन और प्रैक्टिस लगाने वाले हैं। अगेन एक क्वेश्चन आ गया है उसी प्रकार का, स्लैब SLAP के लिए समूह की पहचान करनी है और कोडिंग आपको इस प्रकार से करनी है कि पहले आपको रो का एड्रेस फिर कॉलम का एड्रेस, इस प्रकार से सेल एड्रेस बनाना है उस लेटर का। पहले देखना है पंगति, क्योंकि प्रश्न में कुछ लिख नहीं रखा है, और फिर देखना है स्तंभ। फर्स्ट देखना है पंगति, आफ्टर देखना है स्तंभ, यानी RC एड्रेस देखना है। तो अब देखिए प्रश्न कह रहा है SLAP, यानी कि ये जो चार विकल्पों में मौजूद हैं ये कोड होने चाहिए SLAP के। अब जांच लीजिए कि 57 नंबर है वो S का ही है क्या, 57 का मतलब है इधर से 5 देखिए फिर ऊपर से 7 देखिए, 57 पे S है, बिल्कुल सही है 57 नंबर वाला। फिर 00 का देखिए कि 00 कहाँ पे है, 00 के लिए L है, ये भी बिल्कुल सही है, L ही चाहिए आपको। फिर है 20 है उसमें, ध्यान से देखिए 20 का मतलब है 2 नंबर की पंगति और 0 नंबर का कॉलम, वहाँ पर B है, 20 पर B है, 20 गलत है, आपको B नहीं चाहिए, वहाँ पर A चाहिए, तो A चाहिए और B आ रहा है, तो उस ऑप्शन को काट दीजिए, ये ऑप्शन आपकी कोडिंग हो ही नहीं सकती। फिर जांच कीजिए 65, फटाक से जांच कीजिए, इधर से जांच कर लीजिए, उधर से जांच कर लीजिए, जैसे भी आप बेटर समझे। आप समझते हैं कि सर हम 66 को जांचना चाहते हैं, तो 66 पहले 6 इधर से फिर ऊपर से, पहले पंगति फिर स्तंभ देखें, तो पंगति से जाता और 6
66 पे क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो बी ऑप्शन में 66 गलत है। एक भी गलत मिल जाए तो वहीं पे लीव कर दें उसको, क्योंकि बी ऑप्शन नहीं आना है। फिर देखें 86, 86 पे पी आ रहा है क्या? लास्ट में पी है तो 86 पी का होना चाहिए, ए 43 ए का होना चाहिए, 34 एल का होना चाहिए, 78 एस का, तो ये सही है। जांचते हैं अपन 86 पे, देखिए पहले 8 नंबर का रो देखेंगे इधर से पंगति और ऊपर से 6 नंबर का, तो यहाँ पर पी है, ये बिल्कुल सही है 86। फिर ए देख लीजिए, 43 देख रहे हैं तो ए आ जाए, तो 43 वाला सही है, तो यहाँ से 43 पहले 4 नंबर फिर 3 नंबर, यहाँ ए 43 भी बिल्कुल राइट है। 34 देख लीजिए, पहले 3 चाहिए आपको फिर ऊपर से 4, 3 से जाएंगे और 4 से जाएंगे तो एल आएगा, ये भी बिल्कुल सही है। और 78 देखिए, क्या 78 पे एस है क्या? 7 और 8 पे एस है, तो ये भी सही है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन में कोई ना कोई गलती है, ढूंढ लीजिए आपकी डी ऑप्शन में क्या गलती है। देखिए 77 को आप देखते तो 77 पर 7 7 यहाँ पर क्या मिलता? ओ मिलता, तो डी ऑप्शन में भी खराबी थी, ए में भी थी, बी में भी थी और सी में थी। बहुत आसान कोडिंग है और इसे बहुत आसानी से आप कर भी सकते हैं, कोई समस्या ऐसी कोडिंग में आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ एड्रेस देखने हैं, ना पेन चलाने का झंझट ना और किसी प्रकार का। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में पूछा जाए तो आप, उम्मीद करता हूँ, बहुत अच्छे से उसको कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो पूरा प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है ये, इसमें समझने समझाने की बातें खत्म हो चुकी हैं, तो 5-7 प्रश्न में और दिखाता हूँ आपको। उदाहरण के लिए ई को 01 और 13 द्वारा दर्शाया गया है, उदाहरण दिया गया है 01, 01 का मतलब अभी मैंने जांचना बताया कि 01 का मतलब है 0 नंबर की पंक्ति और 1 नंबर का कॉलम, यानी वहां पर ई है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ई को 01 लिखा हुआ है, तो 0 है वो तो पंक्ति का क्रमांक है और 1 है वो स्तंभ का क्रमांक है। 01 का मतलब हो गया पंक्ति, पहले 0 पंगति और फिर स्तंभ। चेक कर लीजिए कि 13 ई का 13 भी आ रहा है क्या 13 नंबर पे, 13 नंबर का मतलब है 1 नंबर की पहले पंगति, पहला है पंगति तो 1 नंबर की पंगति और 3 नंबर का कॉलम, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ समूह के लिए जो कोड किया गया है उसे रीड करना आ गया होगा। प्रश्न कह रहा था आपसे ए आई आर एस, ये ए का कोड होना चाहिए, IRS, AIRS के कोडों को आपको मैच करना है, विकल्प में से कौन सा सही है तो फटाक से जांचिए। 00 पे क्या है? तो 0 ऊपर से 0 A है, ये बिल्कुल सही है। फिर 68 पे I है क्या? 68 पे आपने देखा I, ये भी बिल्कुल सही है। 78 पे देखिए, 78 पे R है क्या? ये बिल्कुल सही है। 88 पे देखिए T है, 88 पे T है, 88 पे T है, तो A विकल्प गलत हो गया। जैसे ही आपको उनके कोड डिसमैच दिखे उस विकल्प को काट दें, बी ऑप्शन पे जाइए। 24 का मतलब है इधर से 2 और उधर से 4, यानी कि ए है, ए ही चाहिए, सही है। फिर 69 देखिए, इधर से 6 उधर से 9, तो 69 पे एल है, 69 पे एल है, तो ये गलत हो गया क्योंकि आई चाहिए आपको यहाँ पर, तो एल नहीं चाहिए, तो बी ऑप्शन भी गायब हो गया। फिर 43 को जांचिए कि 43 पे क्या है, इधर से 4 इधर से 3, 43 पे है ये 4 नंबर पहले इधर से देखें फिर इधर से, तो जहां ये टकराएं वो एड्रेस हो गया, तो यहां पर ए है, ये सही है, ए ही चाहिए आपको। फिर 55 पे देखिए, 55 पे आई है, बिल्कुल आई ही चाहिए आपको। फिर आर चाहिए, 86 पे आर है क्या, 86 पे आर है क्या, 8 और 6 आर है, बिल्कुल सही है। और 95 को देखिए, क्या 95 के ऊपर एस है क्या, तो 95 पे भी एस है, तो ये आपका बिल्कुल राइट था, ये ए का एड्रेस था, ये आई का, ये आर का और ये एस का, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत आसान था, बहुत आसानी से आप इन सवालों को कर सकते हैं, इस प्रकार से यदि ढूंढिएगा तो ये 10-12 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और गलती होने के कोई चांसेस है ही नहीं। यदि आप चीजों को अच्छे से सुन रहे हैं और ध्यान लगा के आनंद से उसे देख रहे हैं तो ऐसे चीज़ों में आपकी कभी भी गलती नहीं हो सकती। वो अलग बात है कि आप उसे ध्यान से देख ही नहीं रहे हैं और लापरवाही से उसको कनेक्ट कर रहे हैं।
चलिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि फिफ्थ नंबर के क्वेश्चंस में आपको क्या दिया है। उसी प्रकार से कुछ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दिए हैं और इधर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, एक चीज़ आप देख लें कि यहाँ अक्षर को कोड कैसे किया जाता है, ये नोट करने वाली बात है कि अक्षर का कोड देख कैसे रहे हैं। मैंने कहा है कि पहले पंक्ति और उसके बाद स्तंभ लेना है। अधिकतर सवालों में यही होगा कि पहले पंक्ति और उसके बाद में स्तंभ का एड्रेस होगा। यहाँ भी वैसा ही है कि एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में उसके स्तंभ के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि कहीं पे आपको 14 दिख रहा है, 14, तो इसका मतलब प्रश्न ने कहा है एक नंबर की तो पंक्ति है, ये एक नंबर वाली पंक्ति और चार नंबर के स्तंभ में पढ़ने वाला लेटर है। कहीं पे 58 लिखा हुआ है, 58 का मतलब क्या है? 58 का मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग पांच नंबर की तो पंक्ति है और आठ नंबर का क्या है, स्तंभ है। यानी पांच नंबर की पंक्ति और आठ नंबर के स्तंभ पे टकराएंगे, वहां जाके आपको ये एस का कोड मिलेगा। तो नंबर कोड करना आ गया होगा, बस बहुत छोटी सी बात है, आर ओ एच ए एन का कोड चाहिए, आर ओ एच ए एन का कोड चाहिए। तो आर ओ एच ए एन का कोड कैसे फाइंड करते, पहला कोड आर का आ जाए तो यहाँ से पहले कोड को जांचिए, 11 के ऊपर आर है, सही है 11, तो 75 जांचिए, इधर से 7 उधर से 5, फिर ओ है 75 भी सही है, 00 जांचिए, 0 और 0 एच है वहाँ पर, ये भी सही है, 55 को जांचिए, 55 पे ए है और 10 को जांचिए, 10 पर एन है, तो आपका जो राइट आंसर होता ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से आप बी सी और डी में गलतियाँ ढूंढ सकते हैं। प्रैक्टिस में हैं तो आपको गलतियाँ भी ढूंढनी चाहिए, एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं करें कि आप कहीं वहाँ एक ऑप्शन उत्तर पे पहुँच गए हैं उसके बाद भी प्रश्न पे वक्त जाया कर रहे हों। तो समय का विशेष ख्याल रखें, एग्जाम में ऐसा नहीं करें कि आपको मिलने के बाद भी आप विकल्प को दोबारा से फिर चेकआउट कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बाकी फर्स्ट विकल्प ही आपका सही मिल गया था यहाँ पर और उसे आसानी से कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई समस्या आपको ऐसे क्वेश्चंस में नहीं होनी है। बस एड्रेस को नोट करते समय थोड़ा सा ध्यान आप रखेंगे कि प्रश्न के अकॉर्डिंग पहले पंक्ति के क्रमांक को देखेंगे, उसके बाद में स्तंभ के क्रमांक को आप देख रहे होंगे। आसान है, कर सकते हैं, तो फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता ए ऑप्शन। चलिए सिक्स नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं फिर से एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन कि कैसे उसे शानदार तरीके से आप कर सकते हैं। वही सारी कहानी ऊपर बयां कर रखी है और आपको सिर्फ वो लाइन देखनी है कि पहले उसकी पंक्ति और बाद में उसके स्तंभ को दर्शाया गया है। यानी जैसे यू को कोड किया गया है और यू का कोड 30 लिखा हुआ है, तो 30 में 30 में जो 3 है वो तो पंक्ति को दर्शा रहा है, ये तो पंक्ति को दर्शा रहा है, और ये जो 0 है वो स्तंभ को दर्शा रहा है, ये पंक्ति को और वो स्तंभ को। सेम वैसे ही करना है, प्रश्न चाहता है एस डब्ल्यू ओ आर डी का कोड, प्रश्न चाहता है एस डब्ल्यू ओ आर डी का कोड। तो अब आपको एस देखना है कि ये 40 नंबर पे एस है क्या, 40 का मतलब है चार नंबर का पंक्ति और 0 नंबर का कॉलम, तो ये ओ मिल गया, 40 पे आपको मिला है ओ, तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऐसे ही आप सी ऑप्शन को जांच लीजिए, बी को जांच लीजिए, डी को जांच लीजिए फटाक फटाक से। 11 नंबर पर देखिए क्या है, एक नंबर की पंक्ति और एक नंबर का कॉलम, तो यहाँ पर जेड है, तो ये भी रॉन्ग आंसर हो गया, बिल्कुल गलत, क्योंकि एस चाहिए आपको स्टार्टिंग में। फिर यहाँ से 23 को देखिए, 23 का मतलब है इधर से 2 और उधर से 3, तो वो वाई होगा, तो बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। 01 देखिए, 01 क्या है, 01 की जगह पर है एस, 34 की जगह देखिए इधर से 3 और उधर से 4 W, 22 की जगह देखिए यहाँ पे 22 की जगह है 0, 10 देखिए पहले 1 इधर से 0 वहाँ पर R है, और 75 देखिए इधर से 7 और ऊपर से 5, तो वहाँ पर D है, S W R D, यानी कि D ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान था, अब आपको ढूंढना आ गया होगा, कुछ प्रैक्टिस के फ्लो में भी आप आ गए होंगे और इसी तरीके से ऐसे सवालों को अब आप कर सकते हैं। तो जब भी मैट्रिक्स की चीज़ें आपको दी जाएं, दो मैट्रिक्स या एक मैट्रिक्स देगा
उसमें आपको ऐसे वाली पंक्तियों के क्रमांक और ऊपर जो खड़े हैं उन स्तंभों के क्रमांकों को मैच करना है। प्रश्न बताएगा आपको, नहीं भी बताए तो पहले पंक्ति लेनी है और बाद में स्तंभ वाली चीजों को एड्रेस में रीड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं और कुछ दो चार पांच क्वेश्चन प्रैक्टिस में और फिर समाप्त करते हैं सेशन को। चाइल्ड, CHILD के शब्द के लिए सेट को पहचानना था आपको, और वहां है 0 से 9 तक वही कॉलम दिए गए हैं और 0 से 9 तक के जो पंक्ति दी गई हैं। ऊपर कुछ भी नहीं लिख रखा है, किसी प्रश्न में कुछ भी नहीं लिख रखा हो और इस प्रकार से मैट्रिक्स कोडिंग का प्रश्न हो तो पहले आपको लेनी है क्या पंक्ति, पहले लेनी है पंक्ति और बाद का जो नंबर लेना है वो स्तंभ का देख के फिर बताना है। कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो तब की बात है, लिखा हुआ होगा तो वहां क्लियर करेगा कि पहले पंक्ति लें कि पहले स्तंभ लें। यहां लिखा नहीं है परीक्षा में तो आपको पहले पंक्ति लेनी थी। चलिए अब आप 55 को देख रहे हैं तो 5 नंबर की तो पंक्ति और 5 नंबर का स्तंभ, 5 नंबर की पंक्ति और 5 नंबर का स्तंभ कौन है, सी है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सी ही चाहिए, चाइल्ड में आपको सी ही चाहिए, पहला चाइल्ड में CHILD चाइल्ड में पहला चाहिए सी का, तो पहला सी का है ये 55 सही है। 13 नंबर पे देखिए क्या है, 13 में मतलब पहले एक को देखेंगे पंक्ति, तो 1 नंबर की पंक्ति और 3 नंबर का कॉलम 13 नंबर पे है H, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। 42 में देखिए, 42 को आप देखते इधर से पहले 4 नंबर फिर 2 नंबर, 42 पे आपके पास में है I, ये भी बिल्कुल सही है। 79 देखिए रीड करते तो 7 नंबर यहाँ से और 9 नंबर यहाँ से, ये भी L बिल्कुल सही है। 68 को चेक करते, 6 इधर से 8 इधर से तो D, ये भी सही है। पहला ही विकल्प आपके संपूर्ण तरीके से सही था, आसानी से बता सकते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो जो छठा क्वेश्चन है उसके अंदर आपका जो CHILD चाइल्ड छठे क्वेश्चन का जो विकल्प होता वो आपने जांचा कि 555, तो समझ गए होंगे 55 का मतलब है ये सी, फिर 13 तो यहाँ से 1 और इधर से 3, 13 पे आपके जो कोड आ रहा है वो H का आ रहा है। फिर है 42, तो 42 के ऊपर आपके पास में I आना चाहिए, तो यहाँ से 4 और इधर से 2, I ही आ रहा है आपके पास में। और फिर 79 पे जो कोड आना चाहिए वो L का आना चाहिए, तो 7 और उधर से 9, L का ही कोड आ रहा था 79 पे। और 68 पे जो कोड आना चाहिए, 68 पे जो D का कोड आना चाहिए, तो 7 नंबर के क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर होता वो ए ऑप्शन होता, तो बहुत आसान है इसे बता पाना। चलिए 8 नंबर के क्वेश्चंस की ओर ट्रेवल करते हैं और देखते हैं फिर से एक मैट्रिक्स कोडिंग का प्रश्न। तो आप ये यकीन मानिए कि आज के बाद आपको ऐसे क्वेश्चंस की कहीं भी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2-3 क्वेश्चन और दिखाऊंगा मैं, ध्यान से बने रहें और कोशिश करें कि इन्हें बगैर पेन कॉपी के ही निकालने की आदत डालें आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में सभी लोग कर रहे होंगे। बोनस ये है कि जो लोग इसे सिर्फ देख के सोल्व कर देगा वो थोड़ा सा वहां पे जाके एडवांटेज प्राप्त कर लेगा, बाकी तो ऐसे प्रश्नों को पूरी जनता जितनी भी जाएगी वो सारी ही इसे सोल्व करके आएगी। चलिए आप देखते हैं, डियर शब्द के लिए समूह की पहचान कर ली है, वो ही 0 से 9 तक की पंक्ति है और 0 से 9 तक के स्तंभ है, पंक्ति और स्तंभ दिख रहे होंगे इसमें। तो अब आपको क्या करना है, DER का कोड देखना है, यानी जो पहला कोड है वो डी का है। तो 21 का मतलब मैंने बताया था कि 21 कहीं पे लिखा हुआ है, तो ये 2 तो है पंक्ति, पहले तो है रो का रोल नंबर और बाद में है कॉलम यानी कि स्तंभ का। तो आपको क्या करना है, 2 नंबर का स्तंभ कॉलम पंक्ति देखनी है, तो 2 नंबर की पंक्ति ऐसे और 1 नंबर का स्तंभ, तो यहाँ डी बिल्कुल सही है। 21, 32 में देखिए, 32 का मतलब क्या हुआ, 32 का मतलब है 3 नंबर की पंक्ति और 2 नंबर का स्तंभ, तो 3 नंबर की पंक्ति ये हो गई और 2 नंबर का स्तंभ डी हो गया, तो 32 यहाँ पर गलत है, 32 पे ई चाहिए, डी आ रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर आगे जांचिए 55, 55 को जांचिए कि 55 में क्या होता। तो आप कहते सर 55 में 5 नंबर की पंक्ति और 5 नंबर का स्तंभ, वहां पर ई है, तो ये 55 ही गलत है।
फिर आपको 32 नंबर को जांचना है कि 32 कैसे जांचते हैं। 3 नंबर की पंक्ति, तो 3 नंबर की पंक्ति और 2 नंबर का स्तंभ ऊपर से 2 पे आते, तो यहाँ 32 पे डी है, बिल्कुल सही है 32। तो फिर 88 पे देखिए, 88 का मतलब क्या है, 8 नंबर की पंक्ति, 8 नंबर का स्तंभ, 88 पे क्या है, ई है, ये भी सही है। 31 पे देखिए क्या है, 3 नंबर का स्तंभ, यदि आपको 31 दिखाया जा रहा है, 3 नंबर की पंक्ति और 1 नंबर का स्तंभ, 3 नंबर और 1 नंबर पर क्या है, ए है, ये भी सही है। और 42 पे देखिए, 42 पे क्या है, 42 पे आपके आर है क्या, तो 42 पे 4 इधर से 2 यहाँ पर ए है, तो 42 नंबर पे आर नहीं है, ये गलत है, सी ऑप्शन भी आपका राइट आंसर नहीं था। तो अब 8th नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब होगा डेफिनेटली डी ऑप्शन। तो निश्चित तरीके से कह दीजिए, परीक्षा में आपने 3 ऑप्शनों को बिल्कुल सलीके से जांचा है, तो चौथा ऑप्शन आप निश्चित तौर से सही कह सकते हैं कि 3 गलत हो गए हैं, तो चौथा निश्चित रूप से सही होगा। इसे भी जांच लीजिए, अभी प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस में तो आप जांच सकते हैं। 10 का मतलब है 1 नंबर की पंक्ति और 0 नंबर का स्तंभ, तो 1 नंबर की पंक्ति और 0 नंबर का स्तंभ डी है, डी ही आपको चाहिए। फिर 66 पे ई है क्या, ये देखिए, तो 66 पे ई देखिए, ये 66 नंबर पे ई मौजूद है, बिल्कुल सही है 66 बी। 14 देखिए, 1 नंबर और यहाँ से 4 नंबर पे ए है क्या, इधर से 1 नंबर जाना है और उधर से 4 पे आना है, तो वहां पर आपके ए है क्या, बिल्कुल सही है। 65 पे जाना है, 6 नंबर और ऊपर से 5 क्या आर है क्या, बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन जांच पाए, तो ये जांचना सीख गए होंगे और अब तो निश्चित तरीके से सीख ही गए होंगे। तो सारे क्वेश्चंस को आप देख लेते हैं तो प्रैक्टिस सेशन का भी मजा आ रहा है, और एग्जाम हॉल से आप जब बाहर निकल के आएंगे तो भी आपको बहुत सारा मजा आएगा, क्योंकि प्रश्न आपके थोड़े से अच्छे से होते हैं, पेपर अच्छा होता है, तो आपका मन वापस आता है, तब नाचता हुआ आता है और सिलेक्शन के भी करीब पहुंच जाते हैं आप। निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न के उत्तर नीचे दिए गए अवयवों के आधार पर देने हैं, ये हम देख चुके हैं कि प्रश्न में कोई निर्देश नहीं दिए गए हो तो आप क्या करना है, आपको हमेशा पहले पंक्ति और उसके बाद में स्तंभ, पंक्ति और उसके बाद में स्तंभ का रोल नंबर देखना है। जैसे ही आपको मोस्ट का कोड चाहिए, यानी कि ये 40 है वो एम का होना चाहिए, 44 ओ का होना चाहिए, 22 एस का होना चाहिए, टी का, कोई खराबी मिलती है तो बी ऑप्शन को जांचे, बी में खराबी है सी को जांचे, सी में खराबी है डी में। एक ही विकल्प ऐसा होगा जिसके सारे कोड बिल्कुल सुटेबल तरीके से मोस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए 40 को जांचता हूँ मैं फटाक से, 4 नंबर की पंक्ति और 0 नंबर का स्तंभ, 4 नंबर की पंक्ति देखें, ये 4 और 0, तो वहां पर एम है, बिल्कुल सही है। 44 को जांचिए, इधर से 4 और इधर से 4, वहां पर ओ है, 44 बिल्कुल सही है। 22 को जांचिए, इधर से 2 इधर से 2, एस है वहां पर, सही है। 89 को जांचिए, इधर से 8 और इधर से 9, 89 पे आई है भाई, तो 89 गलत है, ए ऑप्शन में 89 गलत है। 89 जो एड्रेस है वो टी का चाहिए और आई का आ रहा है, टी का चाहिए और आई का आ रहा है, वो गलत है। बी ऑप्शन को देखिए, 33, 33 का मतलब है एम, बिल्कुल सही बात है, एम ही चाहिए। 20 का मतलब देखिए, 2 और ऊपर से 0, 20 का मतलब है ओ, तो ओ आपको चाहिए। 11 का मतलब क्या है, तो यहाँ से 11 इधर से और ऊपर से भी एक आर है, आर नहीं चाहिए, 11 आर का है, तो 11 गलत है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी को जांचिए, 02 पे क्या है, 02 पे है एम, ये सही है। फिर 13 को जांचिए, 1 और 3 पे क्या है ओ, ये भी सही है, 13 पे ओ। फिर 34 को जांचिए, यहाँ से 3 ऊपर से 4, 34 पे क्या है एस, 34 पे एस ही चाहिए। अब 56 को जांचिए, 56 पे क्या है आपके पास, 56 पे है टी, तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन का कोड है वो पूर्णतया सही है। तो 9th नंबर के क्वेश्चंस का जो सही जवाब होता वो होता सी ऑप्शन। तो इजी है, बहुत आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है और बहुत आसानी से इन सभी चीज़ों को आप कर रहे होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रीजनिंग में आए तो बिल्कुल खुशी खुशी उस पर्सन को करके आइएगा और खुशी खुशी उसका जवाब लगाइएगा। चलिए कुछ और देखते हैं, इसमें क्या विविधता और हो सकती है। कुछ आपके पास एक साथ ही दिया है उसने 0 से 9 तक, अब दो अवयव नहीं दिए हैं, एक ही दिया है,
10 से 11 प्रश्न अगले दो प्रश्नों को लिए ये आव्यूह को रीड करना है। आव्यूह में 100 सेल हैं, ध्यान से देखना, 100 सेल हैं। सेल समझते हैं ये खाने, ये जो खाने हैं इसको सेल कहते हैं। 100 सेल हैं जिनमें 0 से 9 तक के स्तंभ हैं, यानी कि कॉलम हैं, और पंक्ति आप समझ चुके हैं ये वाली पंक्ति है ऐसे वाली, और यूं खड़े हैं वो स्तंभ या कॉलम है। सेल में लिखे हुए अक्षर यहां से रीड करना, सेल में लिखे हुए अक्षर का पहले स्तंभ का क्रमांक बाद में उसके पंक्ति का क्रमांक पढ़ा जाता है। पहले आना है भाई स्तंभ, पहले स्तंभ और बाद में क्या आएगी पंक्ति। अब ध्यान देना, अब तक आप देख रहे थे पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ, अब देखना है पहले स्तंभ बाद में पंक्ति, यानी कि कहीं भी आपके पास 12 लिखा हुआ है, 12 कोड है, तो आप देखेंगे कि सर ये पहले वाला तो स्तंभ है, पर्सन के अकॉर्डिंग पहले स्तंभ चाहिए। वैसे बाई डिफॉल्ट होता है पहले पंक्ति देखी जाती है, ज्यादातर सवालों में पहले पंक्ति ही देखनी है जैसा कि पिछले सवालों में आपने देखा, लेकिन पर्सन खुद कह दे, पर्सन जब तक कहे नहीं तब तक पहले स्तंभ नहीं देखेंगे। तो यहाँ पहले स्तंभ के लिए पर्सन ने कहा है, तो आप कहेंगे सर पहले पंक्ति स्तंभ है और बाद में पंक्ति है, यानी एक नंबर का स्तंभ देखेंगे और दो नंबर की क्या देखेंगे पंक्ति, तो वहां आर है, एक नंबर का स्तंभ पहले और उसके बाद पंक्ति, इस प्रकार से 12 आया है। बाकी यदि पहले पंक्ति देखते तो एक नंबर की पंक्ति और दो नंबर का स्तंभ क्यों होता, तो समझ गए होंगे यहाँ कैसे ढूंढना है। अब आप जैसे देखिए, किसी ने आपको कहा कि यहाँ पर ये टी लिखा हुआ है, इसका एड्रेस क्या, ये एक्स लिखा हुआ है, इसका एड्रेस क्या होगा, तो मैं आपसे ये कह सकता था कि जो एक्स का एड्रेस है, एक्स का एड्रेस है, एड्रेस में पहले क्या लेना है, पहले स्तंभ का क्रमांक लेना है, तो एक्स कौन से स्तंभ में पड़ता है, तो आप कहेंगे सर 8वें स्तंभ में पड़ता है, तो पहले तो 8 लेना है, और कौन सी रो में पड़ता है, तो आप कहेंगे 5, तो इस एक्स का कोड क्या होगा 85। अब एक्स कहीं और भी होगा तो भी उसका कोड अलग होगा, यहाँ पर भी एक्स है, ध्यान से देखें, इसका पहले लेना है ऊपर से स्तंभ, तो पहले 5 नंबर और फिर 2 नंबर, यानी एक्स का कोड 52 भी होगा, तो एक ही लेटर जगह जगह होगा तो उसका जगह जगह अलग अलग एड्रेस होगा, तो रीड करना आ गया है इसको। चलिए इससे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में कहा गया है पहले आपको प्रश्न का क्या है, पहले स्तंभ का क्रमांक और बाद में उसका पंक्ति का क्रमांक देखना है, जैसे R बराबर 12 है, तो माइंड का कोड देखना था, MIND का कोड क्या है, तो सबसे पहले 01 का मतलब है पहले स्तंभ है और बाद में पंक्ति है, तो 0 नंबर का स्तंभ देखिए, ऊपर से देखूंगा मैं 0 नंबर का स्तंभ और 1 नंबर की पंक्ति, तो वहां पर M है, बिल्कुल सही है, एम ही चाहिए, फिर आई चाहिए, 61 पे आई है, पहले 61 में 6 ऊपर से देखूंगा, 1 इधर से देखूंगा, 6 और 1 को टकराऊंगा तो 1 इधर से जाएगा, 6 उधर से, तो आई मिलेगा, बिल्कुल ये भी सही है। 73 को नोट कीजिए, 7 का मतलब है पहले स्तंभ देखना है, 7 और इधर से 3, तो आप वहां देखेंगे एन कि ये भी सर सही है। 36 का मतलब है 3 पहले ऊपर से और 6 साइड से, तो 36 पे आपको 36 पे मिल रहा है ई, तो ये ई गलत है, आपको डी चाहिए, वहां पे ई गलत है, ऐसे आप इसको फाइंड करना था, तो अब आप ऐसे फाइंड करेंगे, किसी को भी कर सकते हैं रेंडमली, डी को, सी को, जैसे सी को फाइंड करते तो आप 34 को देखते, 34 का मतलब है 3 नंबर का स्तंभ और 4 नंबर का पंगति, तो 3 ऊपर से देखना है क्योंकि प्रसन्न ने कहा है पहले स्तंभ देखेंगे, तो 3 नंबर का स्तंभ आप देखते और 4 नंबर का पंगति देखते, तो ये M का कोड है, सही है। फिर 33 को देख लीजिए, ऊपर से 3 इधर से 3 आई है, ये भी सही है। 50 को देख लीजिए, पहले ऊपर से 5 आना चाहिए और इधर से 0, तो 5 और 0 पर क्या है, N है, MIN, N ही चाहिए आपको। लास्ट वाला देख लीजिए, क्या ये D का है क्या, 17, ऊपर से 1 देखेंगे इधर से 7, 1 से 7 पे आएंगे तो यहाँ पर D है, यानी कि आप कह देते कि सर सी ऑप्शन राइट आंसर है। ऐसे आप ऑप्शनों को जांचेंगे तो ये काम 10-12 सेकंड में खत्म हो जाएगा। बहुत बार ए ऑप्शन में उत्तर मिलेगा, बहुत बार बी में मिलेगा, किसी विद्यार्थी को सी में मिलेगा, डी में मिलेगा, तो आप कहीं से भी जांच सकते हैं। आपका मन करे कि डी ऑप्शन को पहले जांचेंगे तो पहले डी को जांच लें, आपका मन करे कि बी ऑप्शन को पहले जांचेंगे तो बी को जांच लें। चलिए अंतिम प्रैक्टिस का क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट प्रश्न आज का, तो ये काफी प्रैक्टिस हो जाती है यदि आप मैट्रिक्स कोडिंग को
यदि इन सारी पिछली 30-40 मिनट में सुन रहे हैं तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होनी है। वही है, उसी से रिलेटेड प्रश्न है 11 नंबर। किसी सेल में लिखने वाले अक्षर को पहले स्तंभ का क्रमांक और बाद में पंक्ति का क्रमांक, तो जेल का कोड क्या होगा? 32 पे देखिए, 3 नंबर का स्तंभ और 2 नंबर की पंक्ति, ऊपर से 3 इधर से 2, जे सही है 32। फिर 05 को देखिए, ऊपर से 0 इधर से 5, 05 पे है ए, बिल्कुल सही है। 25 पे देखिए, क्या सही है क्या, 2 ऊपर से और 5 इधर से, एल है, बिल्कुल एल आपको नहीं चाहिए, आई चाहिए, तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। ए ऑप्शन में 25 एड्रेस है, वो गलत है। बी ऑप्शन को जांचिएगा। इसी प्रकार से 32 को जांच ही चुके हैं, अभी जे आया है तो 32 तो सही है, 05 ए आया है ये भी सही है। 87 को जांचिए, ऊपर से 8 आना चाहिए, पहले देखना है स्तंभ, यानी कि 87 को देखें तो 8 नंबर का स्तंभ पहले देखें, ऊपर से 8 देखा इधर से 7 देखा, तो 7 और ऊपर से 8 कहाँ टकराते हैं, 7 और 8 यहाँ आई पे टकराते हैं, बिल्कुल आपको आई चाहिए, 87 भी सही है। 96 को देख लें कि एल है क्या, तो 96, 9 नंबर ऊपर से देखेंगे पहले, पहले ऊपर से और फिर 6, यही हो गया 6 इधर से, तो यहाँ मैच है, तो ये क्या हो गया L। तो ये बहुत आसान है, जेल बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। तो ये कोड देखना था, समझ ही पाए होंगे इसमें कि कौन से को किधर से लाना है, पहले स्तंभ को देखना हो और फिर पंगति को, तो ऐसे देखेंगे, और पहले पंगति देखिए तो पहले पंगति का रोल नंबर लेंगे और उसके बाद स्तंभ का। तो ये आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, पहले पंगति और बाद में स्तंभ को देखना, एक टाइप का क्वेश्चन बना है पहले स्तंभ और बाद में पंगति को देखना, ये बहुत कम बार आया हुआ है, लेकिन ये आया हुआ ही क्वेश्चन है। तो ये प्रैक्टिस करी हमने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेकर, और कुछ आपके आगामी जो भविष्य में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा लगेंगी उनके हिसाब से। तो ये मैट्रिक्स कोडिंग की प्रैक्टिस खत्म होती है, फिर से आगे देखेंगे, और सारे टॉपिक्स को आप देखते रहें, अच्छी प्रैक्टिस करते रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और एक ज़रूरी बात कि आप अपना ख्याल रखिएगा, इसी के साथ मैं छोड़ जाता हूँ, धन्यवाद।